मुरादाबाद के पागवाड़ा अगवानपुर मिनी बाईपास स्थित गांव फतेहपुर बिश्नोई में SBM वेस्ट प्लांट प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर इस सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट प्राइवेट का शुभारंभ किया गया। आपको बताते चलें कि मंडल मुरादाबाद में मेडिकल हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल के लिए कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगाया गया था जिसके द्वारा उस मटेरियल को नष्ट किया जा सके। ऐसे मटेरियल को नोएडा और अदर दूसरे स्थानों पर भेजने का काम किया जाता था, जिसके चलते मुरादाबाद मंडल के मेडिकल लाइन से जुड़े हॉस्पिटल व डॉक्टर और छोटे छोटे क्लिनिक वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुरादाबाद में सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट का शुभारंभ हो जाने के बाद लगभग इस समस्या का निदान होने जा रहा है। वहीं उनके पार्टनर द्वारा बताया गया कि हम मुरादाबाद के मेडिकल से जुड़े संप्रांत नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने जा रहे हैं। इन सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा यही होगी कि हम उसके वेस्ट कचरे को वहां से उठाएंगे और उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। सारी सुविधाएं हम देने जा रहे हैं, किसी को भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आज सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट का शुभारंभ हो चुका है जो मुरादाबाद के पागवाड़ा अगवानपुर बाईपास फतेहपुर बिश्नोई में स्थापित किया जा चुका है। हमारी टीम प्रतिदिन हॉस्पिटल जाएगी और वहां से कचरा लाकर निस्तारण करने का काम करेगी। के आसपास हेल्थ केयर फैसिलिटी है और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने संज्ञान लिया था, जिसके पश्चात ये हुआ कि मुरादाबाद में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर अब तक प्लांट था। अभी तक यहाँ पर जो बायोमेडिकल प्लांट था वो गाजियाबाद में था। मुरादाबाद में जितने भी हॉस्पिटल खुलने होते हैं या लैब खुलनी होती हैं, उन्हें सबसे पहले लाइसेंस के लिए, सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए एक एग्रीमेंट करना होता प्लांट से। तो वो एग्रीमेंट अब तक गाजियाबाद की कंपनी करती थी, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का काम नहीं करती थी, पूरे साल का एडवांस पैसा ले लेती थी। तो डॉक्टरों की डिमांड थी, IMA की डिमांड थी, प्रशासन की डिमांड थी। तो पूर्व में जो हमारे जिलाधिकारी महोदय रहे हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट था, और पूर्व में जो क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड थे उनका बड़ा इंटरेस्ट था। तो पिछले लगभग 3.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट करा था लगाने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कोरोना की वजह से। तो ये पिछले 3.5 साल में अब मेहनत करके यहाँ तक आए और आज इसका शुभारंभ हमने करा है। और इसके शुभारंभ के पश्चात मुरादाबाद मंडल के 75 किलोमीटर परिधि में समस्त हेल्थ केयर फैसिलिटी व लैब हमारे से जो है बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का एग्रीमेंट कराएंगे और हम उनका कार्य करेंगे। व्यवस्थाएँ सबसे पहले तो ये है कि हम बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण में लोकल हमने एक मुरादाबाद लेवल पर ऑफिस बनाया है। पूरा मंडल में हर एक जनपद में, जैसे जनपद बिजनौर, जनपद मुरादाबाद, जनपद अमरोहा, जनपद रामपुर, संभल, हर जगह हमारा मैनेजमेंट टीम का एक आदमी है। हॉस्पिटल वालों को, हेल्थ केयर फैसिलिटी वालों को या लैब वालों को कहीं मुरादाबाद में भटकने की जरूरत नहीं है। उनके जनपद में उन्हें आदमी मिलेगा और उसका जो है एग्रीमेंट कराने का प्रावधान हमने कर रखा है। वहीं पर पूरा स्टाफ है मार्केट में, मतलब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने गाड़ियों की व्यवस्था कर दी है। जैसी एग्रीमेंट होगा हर दिन गाड़ी जाएगी और गाड़ी उनका बायोमेडिकल वेस्ट उठाएगी। अब तक होता क्या था कि बायोमेडिकल वेस्ट कचरे में डाला जाता था नगर निगम के, उठता नहीं था। तो अब प्रॉपर व्यवस्था के अनुरूप इस काम को कराया जाएगा और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मानक है उसके अनुरूप काम किया जाएगा। और आगे सभी लोगों को काम करने मजा आएगा हेल्थ केयर फैसिलिटी को। क्या अपील रहेगी आपकी मुरादाबाद के मेडिकल टीम से जुड़े लोगों से? मुरादाबाद के व मुरादाबाद मंडल के समस्त चिकित्सालय जो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं या हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो भी लैब्स वगैरह आती हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि वो अब तक जो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखे थे, दरअसल पूर्व में जो संस्थाएं काम कर रही थी उन्हें पूरे साल का पैसा एक मुश्त दे दिया जाता था, जिसके पश्चात वो बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का काम नहीं करते थे। तो मेरा उन लोगों से सबसे अपील है कि बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का काम आप अपने मुरादाबाद मंडल की संस्था से कराएं। और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2016 की गाइडलाइन है उसमें ये लिखा हुआ है पूर्ण रूप से कि 75 किलोमीटर परिधि में जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी होंगी। देखिए, यहाँ फतेहपुर बिश्नोई जनपद मुरादाबाद में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नाम से हमारा प्लांट है, तो उसी का शुभारंभ किया गया है। किस तरह की व्यवस्थाएं देने जा रहे हैं आप? देखिए, जो बायोमेडिकल वेस्ट जो भी हॉस्पिटल और जो चिकित्सा इकाइयाँ होती हैं, पैथोलॉजी लैब होती हैं, वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता, उत्पन्न होता है, उसी को डिस्पोज किया जाता है। तो अभी तक वो वेस्ट गाज़ियाबाद और बरेली की कंपनियों द्वारा उठाया जाता था और समय से उठाया भी नहीं जाता था। काफ़ी लंबे समय से जनपद में और मंडल की मांग चल रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों के द्वारा ये प्लांट का
मतलब स्थापना की गई है। मुरादाबाद में अभी तक ऐसा कोई इस तरह का कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, आपने इसकी शुभारंभ किया है, तो मुरादाबाद की जो जनता है, जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं सभी लोगों से जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारे कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि उनको पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पंजीकरण कराने के लिए गाज़ियाबाद और बरेली के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो अब नहीं होगा, यहीं पर उनको मुरादाबाद में ही सुविधा मिलेगी। और शासन की तरफ से भी जो पहले से कंपनी कार्य कर रही थी उनको नोटिस इशू कर दिया गया है कि अब वो कंपनी काम यहाँ पर नहीं करेंगी, अब सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी ही मुरादाबाद मंडल में काम करेगी। इस तरह से लोग सुविधा ले सकते हैं, कोई जैसे क्या एड्रेस रहेगा, क्या? हमारा जो प्लांट है वो फतेहपुर बिश्नोई में है, चर्चलाइट के पास में, और जो हमारा सिटी ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, दैनिक जागरण जो का ऑफिस है उसके ठीक सामने है। क्या अपील रहेगी आपकी? बस मेरी यही है कि अपील है सभी लोगों से कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनसे अपना रिन्यूअल ना कराएं, रजिस्ट्रेशन ना कराएं, क्योंकि वो अब पात्र नहीं है करने के, और हमारे द्वारा ही सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट से ही आप अपना सभी जो डॉक्टर्स अस्पताल हैं वो अपना पंजीकरण हमारे द्वारा ही कराएँ।